आदाब, जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम। इस वक्त खबर जलगांव शहर से। रेशन कार्ड की समस्या को लेकर एमपीजे यानी मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की ओर से जलगांव जिला अधिकारी कार्यालय के सामने किया गया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। आज का ये जो धरना है एमपीजे फॉर वेलफेयर यानी मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर की तरफ से जलगांव जिला अधिकारी कार्यालय पर कलेक्टर ऑफिस पर यहाँ पे किया जा रहा है। ये धरना आज एमपीजे पूरे महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर दे रही है। ये क्यों ये धरना जो कर रही है एमपीजे, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो राशनिंग सिस्टम है इसमें हुआ ये है कि जब अन्न सुरक्षा कायदा जो है वो अमल में नहीं आया था 2013 से पहले, उस वक्त महाराष्ट्र में 8 करोड़ लोग जो है इस अन्न पीडीएस प्रणाली का फायदा ले रहे थे और उनको अनाज मिल रहा था 8 करोड़ लोगों को, जिसमें पीले कार्ड वाले भी थे और केसरी कार्ड वाले भी थे। लेकिन जब 2013 में अन्न सुरक्षा विधेयक आया, कायदा आया, तो सरकार ने इसमें से 1,77,00,000 लोगों को जो है वो निकाल दिया और बाकी 7,33,00,000 लोगों को जो है वो इस अन्न सुरक्षा कायदे में शामिल करके उनको अनाज देने का जो है वो प्रावधान किया। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो 1,77,00,000 लोग जो छूट चुके हैं इन सबको भी इस अन्न सुरक्षा कायदे के तहत जो है वो राशन मिले और इनको भी अन्न सुरक्षा कायदे के अंदर शामिल किया जाए और पूरा 35 किलो अनाज दिया जाए। लेकिन हुआ यूं कि जो 7,33,00,000 लोगों को सरकार ने इस कायदे के अंतर्गत शामिल की, उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली जो लगाई गई और थम का सिस्टम लाया गया, उसकी वजह से 1 करोड़ लोग और बाहर निकल गए। उसकी वजह से ऐसे 2 करोड़ लोग जो है वो इससे वंचित हो गए। तो हम सरकार से इसके जरिए ये मांग कर रहे हैं, ये धरने के जरिए, कि ये सारे लोगों को उसके अंदर शामिल किया जाए। और शहरी भाग में जो सरकार ने 59,000 की अट लाई है कि 59,000 जो है या 59,000 जिनका इनकम होगा वही लोगों को जो है इसके अंदर शामिल किया जाएगा, तो हमारा मांग ये है कि शहरी भाग में ये जो इनकम का जो प्रावधान है वो 1,00,000 रुपए का किया जाए, कि 1,00,000 रुपए तक की इनकम जिनकी है वो सारे लोगों को इस अन्न सुरक्षा कायदे के तहत अनाज मिलना चाहिए और उनको इसकी यादी में समाविष्ट करना चाहिए। यही मांग को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। और खास करके जो पीडीएस प्रणाली है, जिसको हम जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, जिसके जरिए लोगों को राशन मिलता है, ये पीडीएस प्रणाली का कारोबार एकदम पारदर्शी, स्वच्छ और क्लियर किया जाए, ताकि ये जो गोंधल हो रहा है, जो बीच में बहुत प्रॉब्लम और तकलीफें आ रही है, लोगों को कम अनाज मिल रहा है, कोटा नहीं आ रहा है, किसका पावती नहीं मिल रही है, ये सारे प्रॉब्लम जो है वो लोगों के दूर हो और सरकार जो है इसके ऊपर एक व्यापक नीति बनाकर इसको जो है क्लियर करे। जलगांव जिला के फैजपुर शहर में खिदमत मिल्लत तथा लिमरा फाउंडेशन की ओर से खादिम मिल्लत पुरस्कार का किया गया शानदार वितरण। माजी विधायक श्री शिरीष मधुकर राव चौधरी इनकी अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में मलिक शरीफ सर, रहीम सर, मौलवी शरीफ साहब, हाफिज अनस साहब, डॉक्टर जलील, डॉक्टर असमा शेख, जफर मेंबर, अब्दुल रऊफ जनाब, उपनगर अध्यक्ष कलीम खान, शेख कुर्बान, कलीम फैजपुरी आदि मान्यवरों को किया गया पुरस्कार का वितरण। जलगांव से शाह एजाज तथा फैजपुर से नासिर खान की रिपोर्ट। आप देखते रहिए न्यूज़ एनी टाइम।